हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आरसीसी व्हिच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू इंटरव्यू पर्पस। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि आपसे किसी इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। ये हमने कुछ पचास क्वेश्चन हमने इसमें प्रिपेयर किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो लोग अभी डिप्लोमा में हैं या फिर डिप्लोमा में हैं या फिर बीटेक में हैं या फिर वो पास आउट हो चुके हैं, जो लोग हैं उन्हें तो ये सारा क्वेश्चन नहीं आता होगा, लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं उन्हें उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन उन्हें ज़रूर आता होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किनको कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जो लोग पास आउट हो चुके हैं या फिर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चन उन्हें पहले से आते थे। अगर नहीं आते हैं तो हम, ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसको अभी डिस्कस करूँगा कि क्यों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो आज का हमारा जो पर्पस है वीडियो बनाने का, वो मेन पर्पस है कि इंटरव्यू के लिए आप अगर किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं और कंपनी आपके कॉलेज में विजिट कर रही हैं, तो उस केस में आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। और उस तैयारी के दरमियान आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो कि पूरे आरसीसी को ये कवर करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट क्या होता है। तो कॉन्क्रीट के लिए सिंपल डिफिनेशन यूज करेंगे, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, कॉन्क्रीट का एक मिक्सचर है किसका, सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। सीमेंट का, सैंड का एंड कोर्स एग्रीगेट का ये क्या होता है, तो मिक्सचर होता है। ठीक है, और तीनों का मिक्सचर होता है, सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, इन तीनों का ही ये मिक्सचर होता है विथ डिफरेंट प्रोपोर्शन, यानी कि डिफरेंट प्रोपोर्शन में कोई एक डिफरेंट प्रोपोर्शन यूज करेंगे। जैसे कि M20 अगर बनाना है तो M20 के लिए 1.5-3 का एक प्रोपोर्शन होता है। एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में जो हम यूज करते हैं उसको मानते हुए वाटर के साथ में मिक्स किया हुआ को हम लोग कहेंगे कॉन्क्रीट है। मतलब कॉन्क्रीट क्या डिफाइन करेंगे, कॉन्क्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट विथ वाटर इन ए डिफरेंट प्रोपोर्शन, एक डिफरेंट प्रोपोर्शन को मानते हुए जिस प्रोपोर्शन में हम इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं और मिक्सचर को तैयार करते हैं, तो उस तैयार हुए मिक्सचर को हम लोग कहते हैं क्या है कि कॉन्क्रीट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का ग्रेड क्या है। तो कॉन्क्रीट का ग्रेड को डिफाइन करते हैं कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है, कॉन्क्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है, जिसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, या तो हम लोग M20 से डिनोट करते हैं, M15 से डिनोट करते हैं, ये सब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या बताता है, इट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना वो बेयर कर पाता है, इसकी अपनी ये टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ये हमारा रहा कॉन्क्रीट के ग्रेड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील क्या होता है। तो ग्रेड ऑफ स्टील जो है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिइंफोर्समेंट को बताता है, यानी कि बार्स का टेंसाइल रिइंफोर्समेंट को बताता है कि टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कितना है बार्स का। इसको डिनोट करते हैं कौन कौन से, तो Fe 250 जिसको माइल्ड स्टील भी कहते हैं, Fe 415 जिसको HYHD बार के नाम से जानते हैं, एंड Fe 500 इसको भी HYHD के नाम से जानते हैं। HYHD का मतलब हो गया हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ दे कि HYHD का फुल फॉर्म होता क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज LSM, LSM क्या है। तो LSM के बारे में देखिए, LSM के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि है क्या, तो इसके बारे में 3 या 4 डिफरेंस आपको याद रखने लगा है LSM और WSM से। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, मेन फोकस किया जाता है, अगर आप स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन किया जाता है मेन फोकस इस पे LSM पे रहता है। LSM क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड है, इट इज़ द मेथड, ये एक मेथड है डिजाइन करने का, RCC स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का एक मेथड होता है। ठीक है, जिसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और इसमें और 2-3 भी और भी इसके डिफरेंसेज आप याद रख लेंगे WSM LSM से, कि वाटर टैंक का डिजाइन हम लोग WSM से करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी फ्यूचर में लोड का इंक्रीमेंट का कंसिडरेशन नहीं रहता, इसलिए वहाँ पर हम लोग WSM को वाटर टैंक से डिजाइन करते हैं। बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हम लोग LSM से डिजाइन करते हैं। LSM से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है ये सेक्शन इसका थिन होता है, और WSM से बना हुआ जो सेक्शन होता है वो थिक होता है। ठीक है, यही 3-4 इसमें अंतर याद रख लेंगे, इलास्टिक मेथड होता है, प्लास्टिक मेथड होता है। ठीक है, तो 3-4 इसके डिफरेंसेज आप जरूर याद रख लेंगे, ये जरूर पूछा जाता है आपसे LSM और WSM के बारे में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन M20। M20 के बारे में क्या है, जैसे कि अभी हमने लिखा था M20, तो M यहाँ पर बताता है, M किसको बताता है कि M क्या है। M मतलब हो गया मिक्स, किसका मिक्स है, सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट का वाटर के साथ में मिक्स को बताता है। और 20 बताता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। 20 क्या है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और अलग से अगर डिफाइन करना जाए, अलग से डिफाइन किया जाए इसको, तो कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 20 क्या हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट हो जाता है, जो कि 150 mm का क्यूब बना करके 28 दिन तक पानी में क्यूरिंग करने के बाद, अगर CTM या UTM के अंडर में उसको अंडर लोड हम लोग चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो जिस लोड पर वो ब्रेक करता है उस लोड का तीन स्पीसमैन लेते हैं, एक सैंपल में तीन स्पीसमैन होते हैं और तीनों का हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो उसको कहा जाता है उसका वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, किसका, कॉन्क्रीट का, ठीक है। हमेशा दो चीज़ें इसमें से पूछी जाती है, पहला कि जिस मोल्ड पे आप टेस्ट कर रहे हैं उस मोल्ड का साइज कितना होता है, तो उसका होता है 150 mm का साइज होता है, ठीक है। और जिस मोल्ड का आपने चेक किया हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो कितने सैंपल रहते हैं, तो सैंपल वन रहता है। अगर पूछेगा कितने स्पीसमैन रहेंगे, तो स्पीसमैन तीन होगा, एक सैंपल में तीन स्पीसमैन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वही चीज़ है जो अभी हमने आपको डिस्कस किया। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विच इज टेस्टेड, जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं कब, कंक्रीट बनने के बाद, आफ्टर द मेकिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट बनने के बाद आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग के 28 दिन तक क्यूरिंग होने के बाद इसको हम लोग CTM या UTM में रख के चेक करते हैं किस लोड पर यह ब्रेक कर रहा है, तो उस लोड को कहा जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का। एक क्यूब का नहीं चेक करते हैं, हमेशा याद रखेंगे कब कितने का करेंगे, तीन क्यूब का, तीन क्यूब मतलब तीन स्पीसमैन हो गया, और तीन स्पीसमैन को हम लोग एक सैंपल नोट करते हैं, एक सैंपल है, तो उस तीनों का एवरेज निकालते हैं और वो हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, तो RCC में पढ़े होंगे कि ये जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है, ये स्ट्रेन डायग्राम है कंक्रीट का, तो यहाँ पर जो ऊपर में इसकी वैल्यू होती थी 0.0035 में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में डायरेक्ट कितनी आती है 0.0035, ये मैक्सिमम स्ट्रेन होता है। अगर ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेन इन एक्सियल कंप्रेशन पूछेगा तो 0.002 होता है, 0.002, या फिर मिनिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट पूछा तो भी यही रहेगा, या फिर मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेन इन कंक्रीट पूछा तो आपका 0.002 होगा, और मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट पूछा कंप्रेशन फाइबर में तब आपका हो जाएगा ये 0.0035 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ये पिच डिस्टेंस, गॉज डिस्टेंस, स्ट्रेन इन स्टील भी पूछा हुआ है, स्ट्रेन इन स्टील है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्टील में कितना होता है स्ट्रेन, तो इसकी वैल्यू जो होती है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ये जहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है, FY ग्रेड ऑफ स्टील होता है, जैसा कि बताएं 250, 415 और 500 के केस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिच डिस्टेंस, गॉज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस एंड इंड डिस्टेंस। देखिए इस पर एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये बेसिकली ये होता क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ इन शॉर्ट में, कि कोई एक प्लेट है, इस प्लेट पर रिविटिंग किया हुआ है, अगर रिविटिंग या फिर बोल्टिंग किया हुआ है, जनरली ये चीज़ें आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलती हैं, लास्ट सेमेस्टर में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, तो अप्लाइंग लोड के पैरेलल में दो रिविट के बीच की दूरी को कहा जाता है पिच डिस्टेंस, और अप्लाइंग लोड के पैरेलल वाले डिस्टेंस को कहा जाता है गॉज डिस्टेंस, ठीक है। और एज और इन डिस्टेंस यही है, अगर हम किनारे यहाँ का डिस्टेंस मेजर किए तो एज डिस्टेंस होता है, और किनारे में यहाँ का डिस्टेंस मेजर किए पैरेलल में तो इन डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके लिए हमने डिटेल्स वीडियो बना रखा है, हम आपको वो इसमें लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एजम्पशन ऑफ LSM, LSM का एजम्पशन क्या है, LSM का एजम्पशन क्या है, ये टोटल पांच एजम्पशन इसमें याद रखेंगे। फर्स्ट वन, पहला एजम्पशन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग होने के बाद भी सेक्शन कौन रहता है, प्लेन रहता है, ठीक है। इसके लिए भी हम एक अलग से इसके लिए डिटेल्स वीडियो हमने बनाया, उसका आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि प्लेन सेक्शन कौन सा प्लेन सेक्शन होता है, कौन सा बेंड होता है, ठीक है। दूसरा कहता है एजम्पशन में कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट फाइबर विल बी 0.0035, दूसरा एजम्पशन हो गया। तीसरा एजम्पशन कहता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जितना होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा स्टील में वो होगा 0.002 प्लस 0.87 FY/ES का होगा। चौथा कहता है कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं, कंक्रीट में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरी नहीं करता। और पांचवा एजम्पशन कहता है कि
अबव न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अप टू 0.002 स्ट्रेन, जो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम होता है वो पैराबोलिक होता है। ये पांच एजम्पशन यहाँ पर होता है जो कि LSM में यूज होता है, और इसी एजम्पशन के बेसिस पे हम लोग बीम का डिजाइन करते हैं। इन पांचों के बारे में आपको डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जरूर देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीन से चार डिफरेंस निकालना है LSM और WSM के बीच में। तो यहाँ से तीन से चार डिफरेंस आप वही बता सकते हैं जो कि आपने ऊपर में बताया कि LSM में बना हुआ सेक्शन थीन होता है, वहाँ पर थिक होता है, WSM में बना हुआ इलास्टिक मेथड होता है, प्लास्टिक मेथड होता है। ये तीन चार डिफरेंस आप वहाँ से कम जरूर याद रख लेंगे। टोटल 11 डिफरेंसेज है, 11 या 12 डिफरेंस है। इसके लिए भी एक वीडियो हमने सेपरेट बना रखा है, उसके लिए भी हम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है। देखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी यहाँ पर है, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये सभी अलग अलग चीज़ें सेम नहीं है। अगर कॉन्क्रीट पे, अगर सपोज हमारे पास में कोई कॉन्क्रीट है, इस कॉन्क्रीट पर सिर्फ हमने क्यूब बनाया हुआ है कॉन्क्रीट का, और टॉप से और बॉटम से दोनों ही कंप्रेसिव टेस्टिंग जब करते हैं, इस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे निकलने वाला स्ट्रेंथ को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसको कहते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये कब का स्ट्रेंथ है, जब इस क्यूब में कोई रिइंफोर्समेंट यूज नहीं हुआ है, कोई भी सरिया यूज नहीं हुआ है, ये तब का स्ट्रेंथ है। अगर इस कॉन्क्रीट में हम लोग सरिया यूज करते हैं, बार्स यूज करते हैं, तब इसका स्ट्रेंथ पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस सरिया वाला कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा उसको कहा जाता है क्या, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। उसको कहते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ऐसे कंक्रीट का स्ट्रेंथ जिसमें हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज किए हैं उसको कहते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। और इसकी जो वैल्यू होती है टारगेट मीन स्ट्रेंथ का, FCK में जुड़ जाता है कितना, 1.65 इंटू में सिग्मा, जहाँ सिग्मा की वैल्यू 3.5, 4 और 5 होता है। सिग्मा की वैल्यू 3.5 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ये होगा M10 और 15 के लिए, ये होगा M20 और 25 के लिए, ये होगा 30 और उससे ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टारगेट पिन स्ट्रेंथ। मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने कब तक क्या कैलकुलेट कर रहे थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम किसका, कंक्रीट का जिसमें रिइंफोर्समेंट लगा हुआ, अब तो टेंसाइल आ सकता है उसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, तो चीज़ को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रप्चर। एंड इसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 0.7 अंडर रूट में FCK होता है, जहाँ पर FCK होता है क्या, कि कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। नेक्स्ट है क्यूरिंग, अगला है कि क्यूरिंग और इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स टाइप्स। क्यूरिंग क्या होता है कि कंक्रीट, बने हुए कंक्रीट को, चाहे वो RCC बनाए हो चाहे PCC बनाए हो, उसको पानी से भिंगो के रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्यूरिंग कहा जाता है। क्यूरिंग के इंपॉर्टेंस यह है कि ये कंक्रीट के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलेगा, उसे प्रॉपर क्यूरिंग करना जरूरी है। मिनिमम क्यूरिंग होता है कंक्रीट के केस में 28 डेज का, जो कि एक क्यूब पर हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि घरों में बीम कॉलम स्लैब वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर 28 डेज का क्यूरिंग जरूरी नहीं होता है। फिर भी हम लोग 10 से 15 दिन का क्यूरिंग जरूर कर देते हैं। छत जब ढलाई हो जाता है छत का, तो आप देखते होंगे कि छत पर पानी जमा के छोड़ दिया जाता है कम से कम 3-4 दिन के लिए, कि कम से कम अच्छे से स्ट्रेंथ उसका पकड़ ले। बीम कॉलम और दीवार वगैरह जो बनता है उस पर पानी हम लोग लगातार 6-7 दिन तक लगातार देते रहते हैं कि मिनिमम स्ट्रेंथ वहाँ सकते हो, जरूर वो पहुँच जाए। तो इस तरह की प्रक्रिया को कहा जाता है कि क्यूरिंग किया जाता है। और ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जहाँ भी सीमेंट यूज हुआ है वहाँ पर हमें सीमेंट का यूज होने के बाद पानी लगातार वहाँ पर यूज करते रहना होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ वहाँ से इम्प्रूव होती है। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं क्यूरिंग के, क्यूरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला टाइप हो गया कि आपको पानी हम जनरली छिड़काव कर देते हैं। दूसरा टाइप है कि जूट बैग से उसको लपेट के रख सकते हैं। तीसरा टाइप होता है स्टीम का क्यूरिंग करना, भाप से उसको क्यूरिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लियर कवर है नॉमिनल कवर क्या होता है। तो देखिए क्लियर कवर नॉमिनल कवर समझने के लिए, सपोज एक हमारे पास में बीम है, इस बीम में लगा हुआ क्या, ये रिइंफोर्समेंट है। इस रिइंफोर्समेंट का ऊपर से ये डिस्टेंस जो आता है इसके सेंट्रोइड तक का, इसको कहा जाता है कौन सा, इफेक्टिव डेप्थ, इसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। और इस रिइंफोर्समेंट से बॉटम पार्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है क्लियर कवर। लेकिन नॉमिनल कवर किसको कहेंगे, इसमें लगा हुआ रिंग भी होता है। ठीक है, जब रिंग के डायमीटर को भी इसमें से घटा देते हैं, किसमें से घटाएंगे, डी में से घटा देंगे रिंग के डायमीटर को भी, तब जो बचेगा उसको हम लोग कहेंगे नॉमिनल कवर। ठीक है, इसको कहेंगे क्लियर कवर, इसको कहेंगे नॉमिनल कवर। अगला जो क्वेश्चन है प्रोपोर्शन ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट, M20 ग्रेड का कंक्रीट का प्रोपोर्शन होता कितना है। तो ये होता है 1:1.5:3, ये इस रेशियो में होता है M20 ग्रेड का प्रोपोर्शन में। ठीक है, टेस्ट ऑन कंक्रीट अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ऑन कंक्रीट कौन कौन से टेस्ट होते हैं कंक्रीट में। कंक्रीट जनरली दो प्रकार के होते हैं, पहला कि आपका फ्रेश कंक्रीट, फर्स्ट टाइप हो गया कौन सा,
फ्रेश कंक्रीट, ऐसा कंक्रीट जो कि जमा हुआ नहीं है, जिसमें सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट मिला हुआ है, वाटर के साथ में मिला हुआ है, लेकिन वो अभी हार्ड नहीं हुआ है। तो ऐसे कंक्रीट पर जो टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट होगा वर्केबिलिटी के लिए, स्लम टेस्ट, बीबी टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है। लेकिन जब कंक्रीट जम गया तब उस पर जो होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड टेस्ट होता है, CTM होता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर में उसको रखे कंप्रेसिव चेक किया जाता है। तो कंप्रेसिव कंप्रेशन टेस्ट जो होता है कंक्रीट पे, वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, जिसमें कंक्रीट को टूटना पड़ता है। कंक्रीट टूटेगा तभी हमें पता चलेगा कि कितने लोड पे ये बेयर किया, कितने लोड पे टूटा है, और उस लोड को ही कंक्रीट का ग्रेड का नाम दिया जाता है। लेकिन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड टेस्ट जो होता है, उसमें कंक्रीट को टूटना नहीं पड़ता है, वो एक रेज पास कराते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव होता है, जो कि कंक्रीट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। जैसे कि कोई कंक्रीट है हमारे पास, यहाँ से हम लोग एक रेज पास कराते हैं, यहाँ से रेज पास कराते हैं, और ये रेज कितना देर में यहाँ से बाहर निकल रहा है, उस चीज़ को टाइम को मेजर किया जाता है, और उसके बेसिस पर कंक्रीट का ग्रेड डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्डन कंक्रीट पे जो टेस्ट होता है उसके लिए। नेक्स्ट है कि ब्लीडिंग एंड सिग्रेशन क्या होता है। ब्लीडिंग और सिग्रेशन किसको कहते हैं? तो ब्लीडिंग का मतलब हो गया कि कंक्रीट में अगर पानी ज़्यादा हो जाता है, तो कंक्रीट जहाँ प्लेस करते हैं उसको जब हम बराबर करते हैं, तब पानी क्या होता है, ऊपर से निकलने लगता है, उसमें से पानी बाहर की तरफ में निकलने लगता है। तो उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को, उस कंडीशन को कहते हैं कि क्या है ये, सॉरी प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, एक कंडीशन है जहाँ से पानी निकल जाता है, पानी एक्स्ट्रा पानी होने की वजह से वो स्पिल आउट होने लगता है, तो उसको कहा जाता है कि ये ब्लीडिंग है ये। ठीक है, सिग्रेगेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हम कंक्रीट को प्लेस करने का हाइट ज़्यादा रखते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा रखते हैं, उस केस में क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट उससे बाहर होने लगते हैं, कंक्रीट से अलग होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि ये सिग्रेगेशन हुआ। सिग्रीगेशन का मतलब कोर्स एग्रीगेट का सेपरेट होना सिग्रीगेशन कहलाता है। ब्लीडिंग का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर का स्पिल आउट होना, वहाँ से स्पिल आउट हो जाना यानी कि निकल जाना, उसको कहते हैं हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट क्या है। देखिए प्रीस्ट्रेस के बारे में कुछ डिफिनेशन भी हमने लिखा है यहाँ पे कि प्रीस्ट्रेस कंक्रीट जो होता है कि प्रीस्ट्रेस कंक्रीट है फॉर्म ऑफ कंक्रीट, एक प्रकार का कंक्रीट है, वेयर कंप्रेशन इज गिवन इन द कंक्रीट बिफोर अप्लाइंग द एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड के अप्लाई होने से पहले ही कंक्रीट में हम लोग कंप्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट स्ट्रेस फ्रॉम एक्सटर्नल लोड इज काउंटरएक्टेड इन डिजायर्ड वे ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। जब उस पर सर्विस पीरियड के दरमियान जब ऊपर से स्ट्रेस लगता है तो उसको काउंटरएक्ट कर देता है। करते क्या है इसमें, कंक्रीट जमाने से पहले, देखिए सपोज हमारे पास में कोई एक फॉर्मवर्क है, बीम है, इस बीम में जो सरिया लगना है, इस बीम में जो सरिया यूज होना है, ठीक है, मान लें कि कोई सरिया इसमें यूज होगा, तो हम लोग जनरल क्या करते हैं, फॉर्मवर्क तैयार करते हैं, बीम में सेंटरिंग का तैयार कर देते हैं, और उसमें सरिया वगैरह बांध करके ऊपर से कंक्रीट डाल करके उसको जमा देते हैं, ये तो जनरल मेथड हो गया। प्रीस्ट्रेस में क्या करते हैं, सरिया कंक्रीट डालने से पहले, सब कुछ प्रोसीजर पहले जैसा ही होगा, कंक्रीट डालने से पहले उसको हम जो सरिया इसमें यूज हुआ है इस पर हम लोग टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं। टेंशन फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको किसी मशीन के हेल्प से होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद कंक्रीटिंग कर देते हैं, फिर वहाँ से जब ये जम जाता है पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से हम लोग लोड को रिलीज कर देते हैं, तब वहाँ पर जो इसमें बार्स पड़े हुए हैं अब वो किसमें है, टेंशन अवस्था में, क्योंकि वो ऑलरेडी खींची हुई अवस्था में होता है। एग्जाम्पल के समझ सकते हैं कि जैसे कोई रबड़ है, रबड़ को अगर हम खींच करके रखें, अगर स्ट्रेट करके रखते हैं तो उस समय वो ज़्यादा लोड बियर कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू लूजिंग स्टेट। जब रबर लूज होता है, लूज पोजिशन में, वो उस समय कम लोड को बियर कर पाएगा, जब हम रबड़ को खींच करके खींची हुई अवस्था में उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं। तो इसी प्रकार से इसी में लोड अप्लाई ज़्यादा होता है जब हम रिइंफोर्समेंट को उसमें अगर लोड लगा देते हैं, टेंशन अप्लाई करने के बाद अगर लोड लगाते हैं, कंक्रीट को जमाते हैं उसमें, तो उसको कहा जाता है कि ये प्रीस्ट्रेस कंक्रीट है। देखिए इसमें दो तरह से बनाते हैं, एक प्रीस्ट्रेस होता है, एक पोस्ट स्ट्रेस होता है। प्रीस्ट्रेस का मतलब कि कंक्रीट जमाने से पहले उसमें स्ट्रेस देना, और पोस्ट स्ट्रेस का मतलब गया कंक्रीट जमने के बाद उस रॉड को वहाँ से रॉड को खींचना, उसमें स्ट्रेस प्रोवाइड करना। तो ये दो केस होते हैं, दोनों ही केस के लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो इस पर भी बनाएंगे, अभी सेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्रीस्ट्रेस और पोस्ट स्ट्रेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही आज के डेट में यूज होने वाली चीज़ें हैं, ये प्रीस्ट्रेस यूज हमेशा आज के डेट में होने लगे, क्योंकि अगर आपको विदाउट इंटरमीडिएट कॉलम्स लार्जर स्पैन चाहिए स्लैब का, तो आपको प्रीस्ट्रेस यूज करना ही पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपको प्रीस्ट्रेस के लिए। एक लाइन का डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया, अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से जरूर उसको देख लेंगे।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यह है आपका क्लियर कवर के लिए, क्लियर कवर की फुटिंग के लिए कितना होता है 50 mm का, ये पूछा जाता है जनरली, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं तो पूछा जाता है। कॉलम के लिए मिनिमम कितना दे सकते हैं 40 mm है, बीम के लिए 25 mm, स्लैब के लिए 20 mm है। एज पर IS 456 यह डाटा है, ये इसको याद रख लेंगे, आपसे जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। और इसके बाद भी हम इंटरव्यू वाले क्वेश्चन जो है अलग अलग सब्जेक्ट का सर्वे का भी बनाएंगे और सोयल का भी बनाएंगे, जितने भी इन्वायरमेंट है सबका हम कोशिश करेंगे 50-50 बेसिक क्वेश्चन वहाँ से एक वीडियो आपको डिटेल्स में बना करके दे दिया जाए, ठीक है। तो बात करते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन का, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट और स्टील क्या कितना होता है। कॉन्क्रीट का यूनिट वेट जो है, कॉन्क्रीट का यूनिट वेट दो अलग अलग के होते हैं, पहला जब आप PCC यूज कर रहे हैं और दूसरा जब आप RCC यूज कर रहे हैं। जब PCC यूज कर रहे हैं तो इसके लिए होता है 24 kN/m³, एंड जब RCC यूज कर रहे हैं ये होता है 25 kN/m³ में। इसका ये यूनिट वेट होता है कंक्रीट का, या फिर इसको कह लें कि डेंसिटी कंक्रीट का कितना हो गया, 24 इन केस ऑफ PCC एंड 25 इन केस ऑफ RCC का होता है। लेकिन जब स्टील की बात करते हैं तो स्टील का जो डेंसिटी होता है वो होता है 7850 kg/m³, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है स्टील का डेंसिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ डू वी चेक क्वालिटी ऑफ सीमेंट ऑन साइट, साइट पे हम सीमेंट की क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे। तो तीन चार इसके मेथड है, मेथड नहीं मतलब कि इसके प्रोसीजर है। पहला क्या करेंगे, पहली बार में सीमेंट के बैग ओपन करेंगे और उसमें अपने हैंड को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें ठंडा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कूल फील होना चाहिए, ठंडा का मतलब ये नहीं कि बर्फ़ जैसा फील होगा, बर्फ़ जैसा ठंडा होगा, नॉर्मल कंडीशन से आपको जो बाहर का टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा ठंडा फील होना चाहिए। उसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई भी सीमेंट जमा हुआ फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सीमेंट को उंगली के बीच में रख के उसको थोड़ा सा हम लोग रब करेंगे, देखेंगे उसको रब करके कि इसमें कोई भी पार्टिकल्स तो नहीं ना बीच में, इससे उसका फाइनेंस चेक हो जाता है। एक चुटकी जो सीमेंट वहाँ से उठाएंगे और एक बकेट पानी में उसको ऐसे थ्रो करके देखेंगे कि सीमेंट जो है पूरी तरह से बकेट के पानी पर वो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, इससे सीमेंट का फाइनेंस चेक हो जाता है। और ये भी चेक करेंगे कि सीमेंट वहाँ पर पानी में जाने के बाद पूरी तरह से बकेट में वो सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी का चेक कर पाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में हो सकता है कि पूछ दे कि आपने जो बकेट में सीमेंट फेंका उससे आपने क्या चेक किए, ऐसा नहीं कि बकेट में चेक डाल देंगे वो फैलना चाहिए हमने चेक कर लिया, तो वो बताना पड़ेगा आपको कि वहाँ पर आपने चेक क्या किया। अगर सीमेंट पूरी तरह से बकेट के पानी में फैल जाता है मतलब सीमेंट क्या है, यूनिफॉर्म उसका क्या है, फाइनेस है। फाइनेस उसका ये नहीं कि किसी कोई ज़्यादा फाइन है कोई कम फाइन है सीमेंट, उसमें कोई कोर्स है कोई फाइन, ऐसा नहीं होगा। तो ये अगर पूरी तरह से उसमें फैला होगा तो, लेकिन अगर वो प्रॉपर सेटल हो जा रहा है तो ये वो इस चीज़ को बताता है कि उसकी यूनिफॉर्मिटी किसमें है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में। स्पेसिफिक ग्रेविटी सबका क्या होता है, तो सेम है उस सीमेंट का, इसलिए वो चीज़ को हम लोग चेक कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्लम्प, स्लम्प कितने तरह के होते हैं, तीन तरह का स्लम्प होता है, ट्रू स्लम्प, सियर स्लम्प एंड कोलैप्स स्लम्प। ये वर्केबिलिटी वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, सिटी का जो कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर बिल्डिंग मटेरियल होगा उसमें आपको ये डिटेल्स में ये इसका पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी फाइंड द वेट ऑफ स्टील बार यूज्ड इन रिइंफोर्समेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है इंटरव्यू में। इसके लिए यानी कहता है कि अगर आपको कोई एक बार दे दिया जाए जिसका डायमीटर 12 mm है, पूछेगा इसके 1 मीटर का लेंथ कितना होगा, तो उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं D² / 162, जहाँ डी को mm में रखना होता है, mm में डी को पुट कीजिए और ये जो वैल्यू निकलेगा ये निकलेगा kg में। वेट ऑफ बार पर यूनिट लेंथ मीटर, 1 मीटर बार का अगर लेंथ आपको निकालना है और वेट निकालना है कि कितना वेट होगा, कितने किलो का होगा, 12 mm का बार, 12 mm का जो सरिया है 1 मीटर लेंथ का कितने किलो का होगा, वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 10 mm का हो, 12 का हो, 8 का हो, 25 का हो, 32 का हो, जितना का भी आपको निकालना है उसे यहाँ पर आपको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीरअप इन द बीम, बीम में स्टीरअप का क्या वर्क होता है। देखिए स्टीरअप जो होता है, स्टीरअप कहते हैं किसको है, जैसे कि कोई एक बीम हम यहाँ पे ले लेते हैं या फिर कॉलम और बीम दोनों में स्टीरअप होते हैं। जो रॉड हम लोग अंदर में यूज करते हैं सपोज यहाँ पे, तो इसको बांधने के लिए चारों तरफ से एक रिंग की आवश्यकता पड़ती है, उसी रिंग को कहा जाता है स्टीरअप। यानी कि इस रिंग को यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये स्टीरअप है। इसका यूज क्या होता है, पहला यूज है फंक्शन में, पहला फंक्शन क्या है कि ये रिइंफोर्समेंट को इसके पोजीशन में होल्ड करके रखता है। दूसरा इसे सीयर में फेल होने से बचाता है,
अगर हम बीम की बात कर रहे हैं तो, अगर कॉलम की बात करें तो इसे बकलिंग में फेल होने से बचाता है स्टीरअप। तो स्टीरअप का वही फंक्शन है कि अगर आप बीम में यूज कर रहे हैं तो ये पूछा हो कि कॉलम में, देखिए यहाँ से पूछा कॉलम में क्या है इसका फंक्शन है, तो कॉलम में क्या कहेंगे, बकलिंग, बकलिंग में होने से बचाता है। यानी कि कॉलम जो हम यूज कर रहे हैं, कॉलम कॉलम इस तरह से बनाया हुआ, इसमें अगर हम ये स्टीरअप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बकल हो जाएगा। स्टीरअप प्रोवाइड किया था मतलब ये बकल होने से बचाता है इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टीएमटी, टीएमटी क्या होता है। तो टीएमटी का पूरा नाम है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ये स्पेशल टाइप का बार होता है जिसमें जिसमें एक बार्स का, बार्स के चारों तरफ से एक अलग से कोटिंग प्रोवाइड की रहती है जो कि इसको कोरोजन से बचाता है। ठीक है, तो ये टीएमटी स्पेशल टाइप का बार्स होता है जो कि बार्स का जो आपका रिइंफोर्समेंट है उसके पर बाहर में एक कोटिंग प्रोवाइड की जाती है जो कि इसको कोरोजन से बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइट कितना होता है, प्रत्येक फ्लोर का हाइट कितना होता है। तो ये हाइट होता है 3 मीटर का या फिर 10 फीट का बोल सकते हैं। तो ये एक जनरल वैल्यू है, आप इसको बता सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। आज के डेट में तो वेरी कर जाता है, लेकिन ये एज पर आइज 4, 5, 6 आपको मिनिमम जो है इतना देना ही पड़ता है। नेक्स्ट है कि वेन वी नीड पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन का हमें ज़रूरत कब पड़ता है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जब सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से कम हो तो उस समय क्या होता है, पाइल फाउंडेशन का ज़रूरत पड़ता है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यूज इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में कितने तरह का फाउंडेशन यूज होता है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, 2 तरह का यूज होता है। पहला शैलो फाउंडेशन, SHALLOW, शैलो फाउंडेशन, और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। ठीक है, डीप फाउंडेशन, तो 2 तरह के ये फाउंडेशन होते हैं जो कि आपको कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। डिटेल्स में इसका वीडियो भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि नेम वेरियस अथॉरिटीज वर्क ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट। ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि साइट पर बहुत लोग काम करते हैं और उनका रैंकिंग क्या होता है। सबसे पहले होगा सीनियर इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसके बाद साइट इंजीनियर, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर, फिर मिस्त्री और फिर मैसन या फिर लेबर। ये जनरली पूछ लिया जाता है कि साइट पर आप काम करने वाले हो, आपका इंटरव्यू ही ऐसा पर्पज से हो रहा है कि आपको पहले, अगर आप डिप्लोमा में हैं तो साइट के लिए ही चुना जाता है आपको। ठीक है, या फिर सुपरवाइजर के लिए रखा जाएगा। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो फिर भी पहला जो होगा, आप एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो पहले साइट से ही शुरुआत करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर आप जा रहे हैं जॉब के लिए तब की बात है। ठीक है, तो वहाँ पर सीनियर इंजीनियर का पहले साइट इंजीनियर, उसके बाद साइट, फिर कॉन्ट्रैक्टर, फिर मिस्त्री, फिर मैसन और या फिर लेबर आ जाता है। उसके बाद करेंगे, देखिए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में कॉलम का फंक्शन क्या होता है। तो बिल्डिंग में कॉलम किस क्या काम करता है, बीम के लोड को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ पे, फाउंडेशन में। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्लैब होगा, स्लैब के नीचे एक बीम होगा, बीम के नीचे कॉलम होगा और कॉलम के नीचे हो जाएगा कौन सा, फुटिंग। स्लैब के लोड को बेयर करता है बीम, बीम के लोड को बेयर करता है कॉलम, कॉलम ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पे, फुटिंग में। ठीक है, तो लोड का ट्रांसफ़र, लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होता है स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम एंड कॉलम टू फाउंडेशन। तो कॉलम का फंक्शन क्या होता है बिल्डिंग में, ये कॉलम अगर आपसे डिफाइन करने के पूछे, देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन कॉलम बीम स्लैब, कॉलम के बारे में क्या कहेंगे, इट इज़ ए वर्टिकल मेंबर विच इज़ यूज टू कैरी द लोड ऑफ बीम एंड ट्रांसमिट दिस लोड टू फुटिंग, फुटिंग को ये लोड को ट्रांसफर कर देता है एंड फाउंडेशन में जाने, फुटिंग मतलब फाउंडेशन हुआ, फाउंडेशन में जैसे ही लोड पहुंचा वो अर्थ में जा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहता है। बीम के बारे में अगर पूछा जाएगा, व्हाट इज बीम क्या है, तो बीम इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज यूज टू कैरी द, विच इज यूज टू कैरी द लोड ऑफ स्लैब और विच इज यूज टू ट्रांसफर द लोड ऑफ स्लैब टू द कॉलम। बीम का काम क्या है, स्लैब के लोड को कॉलम में ट्रांसफर करना, और कॉलम का काम है बीम के लोड को फुटिंग में ट्रांसफर करना। ठीक है, स्लैब के बारे में पूछेगा, स्लैब हमारा फ्लैट स्लैब होता है, इसका काम क्या होता है कि लाइव लोड को ये वहाँ पर बेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राउटिंग क्या होता है। ग्राउटिंग ये सीमेंट पेस्ट को अगर हम विद हेल्प ऑफ प्रेशर स्लैब बनने के बाद अगर हम ऊपर से अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को ग्राउटिंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा गंटिंग क्या है, गंटिंग, तो गंटिंग होता है सीमेंट सैंड का ये रेशियो होता है 1:3 में, सीमेंट सैंड का मिक्सचर होता है जो कि प्रेशर 2-3 kg/cm² के हेल्प से, प्रेशर के हेल्प से हम लोग किसी चीज़ में उसको अप्लाई करते हैं जहाँ पर चीज़ों को फिक्स करना हो या फिर चीज़ों को वहाँ पर अप्लाई करना हो। रिपेयरिंग वर्क में ज़्यादातर इसका यूज होता है गंटिंग का। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ एंड एनकरेज लेंथ क्या होता है। देखिए डेवलपमेंट लेंथ का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक कॉलम बनाए हुए हैं, इस कॉलम में हमें एक बीम को ऐड करना है। ठीक है, इस बीम में फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ। हमारे पास जैसे एक कॉलम हमें बना हुआ है और इस कॉलम में एक बीम को ऐड करना है, यहाँ से इस बीम को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं हम बीम में,
बीम में जो रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं वो ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ यहाँ पर बीम के इसी पार्ट तक हम रिइंफोर्समेंट रखते हैं, हम क्या करते हैं कुछ आगे बढ़ा करके रखते हैं ताकि कॉलम से उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। कॉलम में रिइंफोर्समेंट होगा वर्टिकल होगा और बीम में होगा तो हॉरिजॉन्टल वे में होगा। तो कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से जो रिइंफोर्समेंट है बीम का ये आगे की तरफ में थोड़ा सा बढ़ा करके रखें ताकि कॉलम से इसका कनेक्शन हो जाए। तो जितना एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट लगता है कॉलम को बीम से कनेक्ट करने के लिए, उस एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट के लेंथ को कहा जाता है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, अगर आपने इसका यूज किया है हुक बनाने के लिए, अगर इसको आपने हुक भी प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ से ताकि वो हुक लग जाए वहाँ से और मजबूत बन जाए और एंकर प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाए, तो उसको कहा जाता है एंकरेज लेंथ। ये जो हुक आप बनाएंगे बीम के लिए तो इस लेंथ को कहा जाता है, इस लेंथ को कहा जाएगा एंकरेज लेंथ। और स्टैंडर्ड हुक का एंकरेज वैल्यू पूछा जाता है स्टैंडर्ड हुक का। स्टैंडर्ड हुक का मतलब हो गया कि पूरी तरह से 180 डिग्री में घुमा हुआ हुक, तो इस लेंथ को कहा गया, इस लेंथ को कहा गया एंकरेज लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ इसको कहेंगे एंकरेज लेंथ। एंड स्टैंडर्ड हुक के केस में ये जो लेंथ होता है वो 16 डायमीटर का होता है mm में। अगर डायमीटर mm में रख रहे हैं तो ये mm में वैल्यू आएगा। ये स्टैंडर्ड हुक बनाने के लिए आपको इतना mm का डायमीटर का लेंथ इतना चाहिए ही चाहिए आपको हुक के लिए। डेवलपमेंट लेंथ क्या हो गया कि यहाँ से ये टोटल लेंथ जो कि बीम के बाहर में, बीम के बाहर जो कि कॉलम से कनेक्ट हो रहा है वो डेवलपमेंट हो गया और एनकरेज हुआ जो कि आपका हुक प्रोवाइड किया जा रहा है उसके लिए हो जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ हुक के लिए। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ सेक्शन इन आरसीसी बीम। आरसीसी बीम में कौन कौन से सेक्शन होते हैं? तीन सेक्शन होते हैं, बैलेंस सेक्शन हो गया, अंडर इन्फोर्स सेक्शन होता है एंड ओवर इन्फोर्स सेक्शन भी होता है। सम डिटेल्स अबाउट IS 456। इसमें डिटेल्स में आपको देखना है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट किस ग्रेड के लिए होता है, मिनिमम क्लियर कवर किस ग्रेड के लिए कितना होता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट सी वाटर के लिए कितना होता है। M30 जनरली पूछ लिया गया है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि सी वाटर कंडीशन में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करते हैं एंड नॉर्मल कंडीशन में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट IS 456 कितना अलाउ किए हुए हैं। इन सभी चीज़ों को कई बार पूछा जा चुका है, तो ये सब थोड़ा बहुत डिटेल्स आप देख लेंगे IS 456 के बारे में। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IS 456 का अभी करंट वर्जन कौन सा है जिसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो वो 2000 वाला है, IS 456 2000 इसको लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ लोड, स्ट्रक्चर पर कितने टाइप्स के लोड अप्लाई होते हैं। टोटल 5 तरह के लोड अप्लाई होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड एंड अर्थक्वेक लोड का। ठीक है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड। देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में इसको याद रखें, लेकिन डेड लोड, लाइव लोड को पहले जरूर रखा जाता है, फिर अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, स्नो लोड को बाद में भी रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसी सीरीज में आप इसको बताएं। 5 तरह के टोटल लोड अप्लाई होते हैं स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज जो करता है IS 456 वो 1.5, स्टील के केस में जो यूज करता है 1.15 यूज होता है। कहता है कि क्यों, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, क्यों स्टील के केस में हम लोग कंक्रीट के जगह पर स्टील के केस में कंक्रीट स्टील फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका कम क्यों यूज करते हैं? तो इसका आंसर एक ही होता है कि बेटर क्वालिटी कंट्रोल होने की वजह से। क्योंकि कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं कहाँ पे, साइट पे, जहाँ पर वेदर इफेक्ट होता है, जहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट होता है। लेकिन स्टील का कंस्ट्रक्शन कहाँ, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? वो होता है एक जो कि इसका फैक्ट्री है, जो कि इसका लैब है, ठीक है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पर कोई वेदर कंडीशन नहीं, कोई वहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता है। तो बेटर क्वालिटी कंट्रोल होने की वजह से इसका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंक्रीट के रिस्पेक्ट में कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर वेरियस ग्रेड। तो इसके लिए आपको IS 456 में वैल्यू दे रखा है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का कितना होता है, 0.53D होता है Fe 250 के केस में, 0.48D होता है Fe 415 के केस में एंड 0.46D होता है इनकेस ऑफ Fe 500 के केस में। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम। कॉलम में मिनिमम डायमीटर ऑफ बार कितना यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 mm डाया का, इससे कम कॉलम में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू के पर्पज से, आप ये मैंने आज का वीडियो बनाया है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें ये पता तो चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपने आज यहाँ से कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपने यहाँ से जरूर सीखा है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, 12 mm का डायमीटर हम लोग कॉलम में मिनिमम यूज करते हैं और इससे नीचे का हम लोग कॉलम में यूज नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू IS 456।
पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट, देखिए ये सब डाटा है, जनरली ये पूछ लिया जाता है, आप कंपटीशन का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ पर जनरली पूछा गया है और ये पूछा ही जाता है हर बार। तो 0.15 होता है पॉइजन रेशियो कंक्रीट का। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, पर डे पर मैसन आउटर, यानी कि एक मैसन एक लेबर एक दिन में कितना काम करेगा। तो अगर ब्रिक वर्क कर रहा है प्लिंथ और फाउंडेशन में तो 1.25 मीटर क्यूब का करेगा, सीमेंट कंक्रीट का काम करेगा किसका रेशियो 1:4 का रेशियो में तो वो होगा 5 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है, वो कितना का होगा 5 मीटर क्यूब ये वर्क कर सकता है एक दिन में। अगर RCC का वर्क कर रहा है जिसमें उसको छड़ भी बांधना है, शंटरिंग भी करना है और कंक्रीटिंग भी करना है तो 3 मीटर क्यूब का वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट विथ रिस्पेक्ट टू वेट वॉल्यूम। अगर आपके पास में वेट कंक्रीट यानी कि कंक्रीट जो आपने मिक्स कर दिया है सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट को पानी के साथ मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब अगर यह है तो जब ये कंक्रीट सूखा अवस्था में था, जब ये अलग थे, पानी उसमें मिलाया नहीं गया था, तीनों को मिक्स किया गया था अलग अलग, तीनों को मिक्स कर दिया गया था लेकिन पानी नहीं मिला गया था, सूखी हुई अवस्था में थी, तो उस समय इसका वॉल्यूम कितना था, क्या 1 मीटर क्यूब ही था, नहीं 1 मीटर क्यूब इसका नहीं था, वो था कितना 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 54% एक्स्ट्रा होता है ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम का, ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन रेक्टेंगुलर एंड हेलिकल कॉलम, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होते हैं ये कितने होंगे, 4 होंगे मिनिमम नंबर ऑफ बार। यही जब हेलिकल कॉलम की बात करें सर्कुलर का तो मिनिमम नंबर ऑफ बार यहाँ पर कितने होते हैं, 6 होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ बार इसमें 6 होते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम उसको कहेंगे जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 32 और उससे कम हो, शॉर्ट कॉलम कहेंगे, और लॉन्ग कॉलम कहेंगे जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 120 या फिर उससे ज़्यादा हो तो उसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग कॉलम। कॉलम को ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए नहीं तो अंडर बकलिंग में फेल होने का चांस रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट है सिलेंडर नेस रेशियो होता क्या है, तो सिलेंडर नेस रेशियो इट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पर आर मिनिमम जो वैल्यू देख रहे हैं इसको लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन के नाम से जाना जाता है। लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ये स्टील स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में वहाँ पर आपको डिटेल्स में मिलेगा। नेक्स्ट है पीएच ऑफ वाटर यूज इन कंक्रीट कितना होता है, कंक्रीट में जो पानी यूज करते हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए, तो उसकी पीएच होनी चाहिए 6-9, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस चीज़ को पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू पर्पज़ से बनाए गए हैं और ये टोटल 50 क्वेश्चन हमने आपको बताया, तो उम्मीद है आज आप यहाँ से ज़रूर कुछ सीखे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो पूछा जाता है कौन है, तो जॉन स्मीटन है फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है, कि इन्हीं के द्वारा बाकी हम लोग आगे जो भी इसमें एक्सपीरियंस जो भी इसमें एक्सपेरिमेंट हुए ये सब आगे से इन्हीं के द्वारा बताया गया था, तो फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को कहा जाता है जॉन स्मीटन का। तो ये थे 50 क्वेश्चन RCC के लिए जो कि आज हमने डिस्कस किए, जो कि इंटरव्यू पर्पज़ से ये वीडियो आज का बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जो कि सर्वे पर होगा, ठीक है, सर्वे के बाद इरीगेशन का, फिर से सॉइल का, फिर से FM का, कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बेसिक हो, और ये तो आने ही चाहिए, इतने क्वेश्चन आपको अगर नहीं आते तो फिर पढ़ना एक समस्या एक तरह से बेकारी है, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप RCC अब 2 महीने से भी अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आते होंगे, अगर आप पास आउट हो चुके हैं पढ़ चुके हैं इस चीज़ को तो आपको उम्मीद है यहाँ से मोर देन 40 क्वेश्चन जरूर आने चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि सबको ये बातें पता चले, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।